Subscribe and press the bell icon for latest update. महाराष्ट्र के पुणे में दलितों के साथ हुई घटना को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया, सुनिए क्या कहा उन्होंने। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? अभी जो महाराष्ट्र में पुणे जिले में भीमा कोरेगांव नाम का एक गांव है और वहाँ मतलब 1818 में एक पेशवे के साथ युद्ध हुआ था और उसमें जो ममहार बटालियन के लोग थे, दलित समाज के सैनिकों ने वहाँ पेशवे लोगों को हराने का काम किया था और वहाँ कुछ जो हमारे दलित समाज के लोग शहीद हुए थे उनका मेमोरियल वहाँ खड़ा है, वहाँ आर्मी ने वहाँ उत्सव का खड़ा किया है। तो वहाँ 1 जनवरी को लाखों की संख्या में लोग महाराष्ट्र के जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी वहाँ हर साल वहाँ जाया करते थे। तो कल पहली बार ऐसा हुआ कि ये विवाद कोई दलित और मराठा का तो नहीं है, ये विवाद था पेशवे और दलितों का था, लेकिन मराठा समाज के कुछ लोगों ने प्लानिंग करके मतलब वहाँ जो लोग बाहर जा रहे थे उनके ऊपर पथराव किया, कुछ गाड़ियों को आग लगाई। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट आदेश दिए है कि वहाँ तो दलितों का संरक्षण होना चाहिए और दोबारा इसी तरह की घटना ना हो उसके लिए वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो समाज कंटक है, जिन्होंने मतलब आज तक कई सालों जो लोग उधर आते हैं, एक बार में ऐसा हादसा हुआ नहीं, पहली बार मराठा समाज के कुछ समाज कंटकों ने दलितों पर हमला करके वहाँ दलितों को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।